बहरोड के राजकीय महाविद्यालय में बीएड परीक्षार्थियों से विकास शुल्क के 200 रुपए वसूलने पर भी ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा। परीक्षार्थियों में इससे रोष है। परीक्षार्थियों ने बताया कि उन्हें कैंपरों में ठंडे पानी की जगह मिल रहा है गर्म पानी। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में चल रही बीएड परीक्षा में परीक्षार्थियों से जबरन विकास शुल्क के 200 रुपए वसूलने और परीक्षा के दौरान ठंडा पानी नहीं मिलने को लेकर परीक्षार्थियों ने रोष जताकर विकास शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे रुपये वापस करवाने और परीक्षा के दौरान ठंडे पानी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। बता दें कि कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में बीएड की परीक्षा चल रही है, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के लगभग 1200 विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं। परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा देने वालों से 200 रुपए विकास शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे हैं। मना करने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा। भीषण गर्मी के मौसम में भी परीक्षा के दौरान उनको ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा। कैंपरों में गर्म पानी मिल रहा है, जिससे गर्मी के मौसम में परीक्षार्थियों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गर्म पानी के अनेकों बार शिकायत करने के बावजूद कॉलेज स्टाफ कोई सुधार नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि हमसे विकास के 200-200 रुपए सभी से शुल्क लिए जा रहे हैं और शुल्क जमा नहीं कराते हैं, तो ये कहते हैं कि आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा और पहले 200 रुपए जमा कराने की सबके लिए अनिवार्य है और विकास कॉलेज का कुछ भी नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर जो 200 रुपए ले रहे हैं तो उसमें इन पानी की टंकियों में भी गर्म पानी आ रहा है। जो टॉयलेट की व्यवस्था है, टॉयलेट में भी यहाँ पे बहुत सारी मतलब परेशानियाँ हैं। वहाँ भी साफ सफाई नहीं है, ग्राउंड की साफ सफाई देख लो, पीछे देखो ग्राउंड, पीछे सभी लड़कियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर विकास शुल्क के पैसे के लिए, और मतलब कॉलेज का कुछ विकास नहीं है। अगर कोई बच्चा 200 रुपए देने में असमर्थ भी होता है तो फिर उसको कहते हैं कि परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाए। वो तो कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट बच्चों के उनको फुलफिल करने के लिए विकास समिति का प्रोविजन कर रखा है, तो कई जगह ऐसा हो सकता है कि भाई वो दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा कर लेते हो तो थोड़ा बहुत कम हो, ऐसा हो सकता है। बाकी इस कॉलेज में जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा सेंटर बड़े आते हैं तो उस हिसाब से उन्होंने रख रखा है 200 रुपये। बाकी अगर मीटिंग विकास समिति की बुला के और थोड़ा सा बाहर से भामाशाहों की मदद से अगर किया जाए, थोड़ा बहुत ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी तो अभी कई सालों से मेरे ख्याल से चल रहा है 200 रुपये। दूसरा ये है कि परीक्षार्थियों को ये कहना है कि पानी भी उन्हें ठंडा नहीं मिलता, गर्मी का पानी की तो है कि लगातार 3 एग्जाम जो चलते हैं, मॉर्निंग, दोपहर और शाम की शिफ्ट में, इनमें बड़े एग्जाम चल रहे हैं इन दिनों, लेकिन प्रॉपरली हमारे यहाँ जितना भी स्टाफ है वो लगातार ध्यान देता है, लेकिन 2 वाटर कूलर में जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से लगातार इनको भरते हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं ज्यादा खपत होती है पानी की तो आवश्यकता पड़ जाती है। लगभग 1200 के लगभग बच्चे रूटीन में आ रहे हैं, और लगभग इतने बच्चे हर इवनिंग सेशन में जब भी डेट होती है इनकी एग्जाम की। Thank you.